आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आइसक्रीम की रेसिपी, जिसमें हम सिर्फ आधा लीटर दूध यूज़ करेंगे और वो 2 लीटर आइसक्रीम बनके हमारी तैयार हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे आधा लीटर फुल फेड दूध, और अब आपको लगेगी टेबल स्पून, जिससे हम पाउडर को मेजर करेंगे। तो ये नॉर्मली हमारे घर पे रहती है, जिसपे ऐसा लिखा रहता है TBSP। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप टी स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, इस पे लिखा आता है TSP। ये 3 टीस्पून के बराबर 1 टेबल स्पून होते हैं, यानी कि 1 टेबल स्पून में 3 टीस्पून आता है। तो उस हिसाब से आप अकॉर्डिंग डाल लें। और इसमें डालेंगे 7 टेबल स्पून शुगर, और अब हम डालेंगे इसमें GMS पाउडर आपको डालना है 1.5 टेबल स्पून। और अब हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर, तो कॉर्नफ्लोर भी हमें डालना है 1.5 टेबल स्पून। और फिर डालेंगे CMC पाउडर, ये डालना है आपको 1/8 टीस्पून, यानी करीबन 2 चुटकी ये आपको डालना है। अब इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो जाए, कोई गुठली इसके अंदर नहीं रहे, तब तक हमें इसे अच्छे से मिलाना है। GMS और CMC पाउडर आपको किसी सुपरमार्केट या फिर ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, कोई गुठली नहीं है। तो यहाँ पर कच्चे दूध में आपको सभी चीज़ें मिक्स करनी रहती है। और अब इसे गैस पर रख देते हैं, और इसे अब आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे कि नीचे जाके कुछ चिपके नहीं या फिर जले नहीं। तो आप इसे चलाते रहें, और इसे हमें 1 उबाल आने तक इसे पकाना है। तो ये देखिए आप, दूध में 1 उबाल आ गया है। तो बस अब गैस को बंद कर देते हैं। गैस तो हमने बंद कर दिया है, पर क्या होता है, ऐसे ही रख देते हैं हम तो उसके ऊपर एक मलाई आ जाती है, तो वो नहीं आए। उसके लिए आप 2-1 मिनट के गैप में इसे थोड़ा सा चम्मच से हिला दें, तो वो मलाई नहीं आएगी इसके ऊपर। तो ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल। अब इसे हम कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, पर इसको आप छन्नी से छान लें, अगर कोई गुठलियाँ अगर इसमें रह गई हो तो वो इसमें छन जाए। तो इसे अब हम फ्रीज़र में रखेंगे सेट होने के लिए। बिल्कुल अच्छे से जब ये सेट हो जाएगी, फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं बटर स्कॉच आइसक्रीम बना रही हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे बटर स्कॉच क्रंच बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको बर्तन में डाल लेते हैं आधा कटोरी शक्कर, 1.5 से 2 चम्मच पानी, जिससे कि शक्कर जले नहीं। गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखना है, और लो फ्लेम पर शक्कर को अब डिसॉल्व कर लेते हैं। जब तक शक्कर पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाए और इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, तब तक हम इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। आप हो सके तो इसमें नॉनस्टिक पैन का यूज़ ना करें, क्योंकि नॉनस्टिक पैन की कोटिंग इससे ख़राब हो सकती है। तो आप सिंपल हो सके मोटे तले वाले बर्तन में बनाएं। जब आप देखेंगे शक्कर यहाँ डिसॉल्व तो हो चुकी है, पर इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, बस तब तक हम इसे और चलाते रहते हैं। ये देखिए इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है, और यह ब्राउन होने लगा है। जब कैरेमल इस तरीके से ब्राउन होने लगे, आप फटाफट इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच घी, और गैस को बंद कर दिया है मैंने, और इसे आप मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी सा कलर चेंज होता है। तो ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट है, जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे कैरेमल का, आप फटाफट घी डालकर मिक्स कर लें, और इसे जल्दी से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। प्लेट को यहाँ पर आप घी से थोड़ा ग्रीस कर लें, या फिर आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे डाल देते हैं, और इसे अब अच्छे से ठंडा होने देते हैं। ये ठंडा हो चुका है, और प्लेट को देखिए आप इस तरीके से हल्का सा टेढ़ा करेंगे, और ये देखिए अच्छे से फटाफट निकल गई है बहुत ही ईजीली। और इसे आप कोई पॉली बैग में डाल के इस तरीके से बैलेंस से, या फिर कोई भी भारी चीज़ से आप इसे क्रश कर लें, बहुत ही ईजी इसको बनाना। ये देखिए हो गया है, ये बिल्कुल अच्छे से हमारा क्रश तैयार हो चुका है। तो इसे मैं अब बाउल में निकाल लेती हूँ। आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है, ये देखिए, और अब हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, जिससे जब हम बीटर से इसे बीट करेंगे तो बीटर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। थोड़ा सा इसे हम कट कर लेते हैं। आप एक चौड़ा बर्तन ले, उसके अंदर आप बर्फ़ डाल दें, और उसके ऊपर ये आइसक्रीम वाला बर्तन रखें, जिससे क्या है आइसक्रीम पूरे टाइम ठंडी रहे। अब इसे हम बीटर से बीट करेंगे, इलेक्ट्रिक बीटर की इसमें ज़रूरत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, टाइम कम लगता है इसे बीट करने में, और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। पर अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप हैंड विस्क का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो दही फेंटने वाली, जिसमें बीटर में जैसे जो ये लगे हैं ऐसे जो लगे रहते हैं दही के फेंटने के लिए, वैसे अगर आपके हो तो उससे आप कर सकते हैं, पर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है, थोड़ी कम ये फूलती और टाइम बहुत लगता है। और इसे हमें 4-5 मिनट अभी हमें बीट करना है, तो ये फूल कर डबल हो जाएगी।
ये देखिए फूल के अच्छे से डबल हो चुकी है, डबल से थोड़ी और ज़्यादा हो गई है। अब इसमें हम मलाई डाल देते हैं, ये फ्रेश एक दो दिन की मलाई है। इसे पहले आप अच्छे से चम्मच से थोड़ा मिला लें, अच्छे से थोड़ा सा इसे मिक्स कर लें, फिर डालें। अगर आपके पास मलाई नहीं रखी हो तो आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मलाई डाली है। अब मैं यहाँ पे बटर स्कॉच एसेंस डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। अगर आप वैनिला आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो वैनिला एसेंस डाल दें या फिर जो फ्लेवर का आप चाहते हो वो एसेंस डालें। अब वापस हम इसे बीट करेंगे 3 से 4 मिनट और आपको देख के पता चल जाएगा कि आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से फूल गई है और करीबन 2 लीटर हो गई। तब तक हमें इसे बीट करना है। अब ये आपको पता चल रहा होगा कि ये आइसक्रीम फूल गई है अच्छे से और 2 लीटर करीबन ही हो चुकी है, तो बस हमें तब तक ही इसे बीट करना है। अब इसमें हम डालेंगे बटर स्कॉच क्रंच जो हमने बनाया था, तो वो डाल देते हैं और फिर से थोड़ा सा इसे मिक्स करने के लिए एक बार बीटर से फिर से बीट कर लेते हैं, इससे अच्छे से सभी मिक्स हो जाए। तो अब बस इसे आप किसी कंटेनर में आप ट्रांसफ़र कर लें। तो आप देख रहे हैं आइसक्रीम कितनी अच्छी थिक है, इतना हमने बीट किया है पर ये पतली नहीं बनी है। और इसके ऊपर थोड़े से क्रंच और डाल देते हैं। बस अब इसे हम रख देते हैं आइसक्रीम को फ्रीज़र में सेट होने के लिए 7 to 8 आवर्स या फिर ओवरनाइट आप रखें। तो ये देखिए आइसक्रीम तो बिल्कुल बढ़िया तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसे निकाल के बताती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया ये मार्केट जैसे आइसक्रीम बन के तैयार हुई है, बिल्कुल इसमें आइस क्रिस्टल नहीं है और कितना बढ़िया टेक्स्चर है इसका, बिल्कुल मार्केट जैसा, खाने में भी बिल्कुल वैसी ही लगेगी। तो इसे आप बना के देखिए फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा ऊपर से भी इसे और क्रंच से डेकोरेट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।